हे गाइस, आप सबको स्वागत है हमारे चैनल एमश्री किचन एंड लाइफ में। लोकेशन है गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं धर्मसाई टेंपल। वी आर राइट नाउ ऑन द आउटर रिंग रोड। यहाँ से 37 किलोमीटर अभी हमको स्ट्रेट जाना है। लेट्स गो। अब हम कुछ ही देर में अपना टोल बूथ जो है उसको क्रॉस कर लेंगे। एक्चुअली ये जो टेंपल है, जो एग्जैक्टली आपको एग्जिट नंबर 16 लेके जो अपना एयरपोर्ट है उसी रूट में ही है, तो स्ट्रेट आपको जानी है, कहीं पे आपको कोई मुड़ना नहीं है। जो लोग शमशाबाद एयरपोर्ट देखे होंगे उनके लिए काफ़ी इजी है, बट एक लेन आएगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा डाइवर्शन लेना है। ये आप देख सकते हैं, एयरपोर्ट काफ़ी सुंदर है। हैदराबाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिस सीम्स टू बी वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट। एंड यहाँ पे जो मैं बोल रहा था, लेफ्ट साइड में जो आपको दिखा था ट्रैफिक का पोस्ट है, वहाँ से आपको डाइवर्शन लेना पड़ेगा आके। यहाँ पे एक दो दो रास्ता मिलेगा। एक रास्ता जाता है जो बस डिपो की तरफ, और ये दूसरा जो रास्ता है लेफ्ट की तरफ मुड़ता है, ये धर्मशाही टेम्पल की तरफ जाता है। रास्ता काफ़ी सुंदर है और कोई ट्रैफिक नहीं है। दिस इज़ ए टू वे। ये एक वीकेंड गेटवे है। आप वीकेंड में अपने फैमिली को लेके लॉन्ग ड्राइव अगर चाहते हैं हैदराबाद से, यहाँ पे आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी ग्रीनरी मिलेगी, कोई नॉइज़ नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं है, एनवायरनमेंट काफ़ी क्लीन है, एंड आप ड्राइविंग का मज़ा आराम से उठा सकते हैं। ये आपको डेड एंड में आपको चिन्मय विद्यालय मिलेगा, जो कि मेरा स्कूल भी था उड़ीसा में। मैं यहाँ पे पढ़ा हुआ था, तो मेरे को काफ़ी खुशी हुई उसको देख के। अब हम लोग लेफ्ट, ये है एंट्रेंस है धर्मशाही टेम्पल का। आप दूर से देख सकते हैं इतना विशाल का शिवलिंग है, और हम लोग पार्किंग की तरफ अभी जा रहे हैं। जैसे कि ये संडे था तो काफ़ी भीड़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उतना भीड़ तो नहीं है। ये धर्मसाई टेम्पल का एंट्रेंस है। मैं और फैमिली मेम्बर्स जा रहे हैं। टेम्पल के सामने एक विशाल काय हाथी है, जिसके अंदर आपको कई एक छोटा सा टेम्पल मिलेगा, काफ़ी क्यूट सा है। ये साईं बाबा यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको लाइक जो साईं है वो डिफरेंट रूप्स में मिलेंगे आपको। कहीं पे वो हिंदू के रूप में मिलेंगे, कहीं पे मुस्लिम को रिप्रेजेंट किए हुए, कहीं पे क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट किए हुए। मंदिर के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लाइक भगवान की मूर्ति है लेफ्ट साइड में। अब हम लोग धर्म साई बाबा के और जा रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस यह है, साई बाबा यहाँ पे एक तराजू पकड़ के बैठे हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो भी वक्त यहाँ पे आते हैं, एक तराजू के एक राइट हैंड साइड में वो अपना जो मन्नत है उसको मांगते हैं और उसमें रखते हैं, और लेफ्ट साइड में एक 11 रुपये का चढ़ावा देते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका वो मन्नत पूरी होती है तो आप अपने क्षमता के ऊपर जितना भी हो सके यहाँ पे आनंदम के लिए डोनेट कीजिए। आनंदम यहाँ पे जो लाइक चैरिटी चलती है इन टर्म्स ऑफ फ्री फूड, तो उसके लिए डोनेशन जनरली पूछा जाता है। यहाँ पे कई बहुत सारे छोटे छोटे शिवलिंग एंड गणेश जी का मूर्ति है। आप जैसे देख सकते हैं 200-250 से ऊपर शिवलिंग और नीचे सारे गणेश जी की मूर्ति है। तो बेसिकली सारे जो भगवान के प्रतिमा है यहाँ पे, आइदर पोस्टर फॉर्म में या तो फिर मूर्ति के फॉर्म में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में यहाँ पे है। मंदिर काफ़ी बड़ा है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही लाइक आनंद आएगा इसमें। एंड जैसे कि हम लोग आए हैं दोपहर के टाइम में, एंड भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है, तो वी एन्जॉयड अ लॉट। आपको लाइक एक बार चढ़ावा करने के बाद आप आराम से आके, इतना बड़ा प्रेमाइसिस है वहाँ पे, आप बैठ सकते हैं और थोड़ी देर अपना ध्यान लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है और मन की शांति मिलती है यहाँ पे। और ये हमारे धर्म पत्नी और बच्चे और अपने मम्मी पापा। ये है साईं जी का जहाँ पे वो विराजमान होते हैं रात को। छोटा सा पालंकी है जिसमें साईं बाबा बैठे हुए हैं। अब हम थोड़ा सा बाबा को झूला झुलाएंगे यहाँ पे।
छोटे उस्ताद लग गए थोड़ा सा झूला झुलाने के लिए। यहाँ पे साईं बाबा का बहुत सारे अवतार है जो कि पिक्चर के फॉर्मेट में लगे हुए हैं, सारे हॉल में, सारे वॉल में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे धर्म पत्नी मंदिर की घंटा बजाने की कोशिश कर रहे हैं। नंदी विराजमान है साईं बाबा के सामने और एक छोटा सा शिवलिंग है और शिवलिंग के चारों तरफ छोटे छोटे स्मॉल लिंग्स हैं। और आप एंट्रेंस में घुसने के टाइम में लेफ्ट साइड में आपको ये शॉपिंग का एरिया मिल जाएगा जहां आप शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो लेडीज़ के लिए हैं और थोड़ा प्रसाद भी वहां पे मिलता है। जो मैं बोल रहा था पहले कि छोटे छोटे मूर्ति है भगवान की, तो ये सब छोटे छोटे मूर्तियां हैं यहां पे जो कि दोनों साइड लाइक एक साइड में है, लेफ्ट साइड में है। यहां पे आपको लेडीज़ का छोटे छोटे आइटम्स मिल जाएंगे और पूजा की सामग्री और फोटोज़। आप चूड़ीज लेना चाहते हैं तो चूड़ी ले सकते हैं और प्रसाद ले सकते हैं जो कि ये यहाँ के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। गाइस ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बिकॉज हम लोग हर एक कॉर्नर जो है मंदिर का या हमारा विजिट के टाइम में जो जो एरिया हम सोचे कि अच्छा है उसको कैप्चर करने की कोशिश की है। एक एक मूर्ति आपको पास से भी देखने को मिलेगा, दूर से भी देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये मूर्ति विराजमान है यहाँ पे। और आप ऊपर वॉल की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे लाइक भगवान जी का और यहाँ पे श्री रामकृष्ण परमहंस जी का मूर्ति भी है। एंड ये देखिए साईं बाबा को क्रिश्चियनिटी के रूप में भी प्रपोज किया गया है जहाँ पे उनके सामने उनके भक्त कैंडल जलाते हैं। और ये मैं हूँ जो कि ये टोटल वाइड व्यू एंगल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मंदिर काफ़ी खूबसूरत है, देखने में थोड़ा सा पुराना ज़रूर है। और ये जो सेंटर है साईं बाबा के सामने जहाँ पे मैं बोल रहा था एक शिवलिंग है, शिवलिंग के सामने नंदी विराजमान है एंड छोटे छोटे लिंग यहाँ पे हैं। अभी मंदिर का हम लोग दर्शन कर लिए, अभी हम लोग लेफ्ट साइड में धूनी की तरफ जा रहे हैं। ये एक प्लेस है जहाँ पे लाइक साईं बाबा के लिए विभूति जहाँ पे बनती है बेसिकली। यहाँ पे आप कोई भी चढ़ावा है आपका यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ पे उसको बर्न किया जाता है एंड उसका जो ऐश रहता है उसको विभूति बोलते हैं। इसको बहुत सारे श्रद्धालु जो है अपने पास रखते हैं एंड उसको काफ़ी शुभ माना जाता है। ये वो धुनी है, अभी धुनी से निकल के हम मंदिर के बाहर की तरफ रुक कर रहे हैं। मैं जैसे आपको पहले भी बोल रहा था ये छोटा सा हाथी है, हाथी के अंदर एक छोटा सा टेंपल है जिसको आप देख सकते हैं। ये व्यू आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है मंदिर का। जो टाइमिंग है मंदिर का 6 से सुबह 2 बजे तक रहता है, फिर शाम को 4 बजे मंदिर खुलता है, 4 बजे से फिर रात को 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप जैसे देख रहे हैं शनि जी का नवग्रह का मूर्ति है, सारे नवग्रह यहाँ पे विराजमान हैं। यहाँ पे कुछ एक श्रद्धालु लाइक शनि जी को चढ़ावा भी करते हैं जिसमें तिल का ऑयल और बाकी सामग्रियाँ यहाँ पे अर्पण करते हैं। अब हम लोग नवग्रह का परिक्रमा करके अभी मंदिर का एक थोड़ा सा चारों तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। मंदिर का व्यू काफ़ी सुंदर है। अभी हम लोग लेफ्ट साइड से मंदिर का राइट साइड की तरफ जा रहे हैं। आपको साईं बाबा की एक बड़ा सा मूर्ति दिख रहा होगा, इस एरिया को लेंडी बाग बोलते हैं। आप लोगों में से जो साईं का तो लाइक वक्त है उनको ये पता होगा कि लेंडी बाग प्लेस है जहाँ पे साईं बाबा अपना
जो भी जड़ी बूटी रहता था लोगों को, लोगों की उपचार करने के लिए, वो वहाँ से लेते थे। तो ये यहाँ पे लाइक करने की कोशिश किया गया है। और आप जैसे कि देख सकते हैं दूर से एक बहुत बड़ा नंदी विराजमान है। जैसे कि आपको ये मंदिर शिवलिंग जैसा मंदिर है उसके ठीक सेंटर में साईं बाबा बैठे हैं अंदर की तरफ, और जो नंदी बैठे हुए हैं नंदी के नीचे इनका किचन है जहाँ पे आनंदम के लिए प्रसाद बनते हैं। अब हम लोग आनंदम की तरफ जा रहे हैं। ये एक काफ़ी बड़ा सा प्रमाइसिस है जहाँ पे जो भी लाइक श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे बैठते हैं अपने फैमिली के साथ या एक साथ बैठते हैं और यहाँ पे आनंदम का मज़ा उठाते हैं। ये आप साईं बाबा की डिफरेंट फॉर्मेट्स देख सकते हैं जहाँ पे वो रिलैक्स होके बैठे हुए। ये गणपति जी है, वो उसकी काफ़ी अच्छी अच्छी परिकल्पनाएँ हुई है यहाँ पे। एंड यहाँ पे साईं बाबा को एक तराजू देके बिठाया हुआ है। हम लोग यहाँ पे अभी सर्च कर रहे हैं कि कहाँ पे बैठ के हम लोग अपना आनंदम का लुत्फ उठा सकते हैं। ये हमारे चैंपियन यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो नंदी के पास जाना चाहते हैं, ये काफ़ी 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 सुंदर एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी नंदी की पास में। ये देखिए विशालकाय नंदी काफ़ी सुंदर है। क्योंकि हम लोग एक डेढ़ बजे के आसपास यहाँ पे आए थे तो धूप काफ़ी ज़्यादा था, जैसे कि अभी आपको पता ही है कि मार्च का महीना है और धूप हैदराबाद में काफ़ी बढ़ गया है। तो ये जो एरिया था बिकॉज ऑफ द ब्लैक ग्रेनाइट काफ़ी गर्म था। एंड आप देख सकते हैं ये नज़ारा दूर दूर तक, सिटी का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई भी हलचल नहीं है। जिस किसी को भी शहर का भीड़भाड़ अच्छा नहीं लगता है तो वो लोग वीकेंड में यहाँ पे ज़रूर आए और कुछ टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिए। आई विल रिकमेंड कि आप दोपहर के पास लाइक घर से हैदराबाद से निकलिए अराउंड 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास, 4 बजे के आसपास आइए। आपको जो रोड है काफ़ी स्मूथ मिलेगा, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे आपको शाम गुजारिए, काफ़ी शांत भरा शाम है। और ये हमारी सेल्फी चल रही है यहाँ पे मैडम जी के साथ। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। इट्स समथिंग है एक्टिविटी दैट यू शुड लाइक बुक इन योर कैलेंडर। एंड यहाँ पे ज़रूर आइए, बच्चों के साथ आइए और कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। ये मंदिर जो हम लोग नंदी से लिए हैं, ये आनंदम का जो टाइमिंग है 12:30 से 2:30 बजे का है। यहाँ पे हम लोग अपना लाइक प्रसाद ले लिए हैं, अभी हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे। बाहर होटल में आप कभी भी खा सकते हैं, बट एक टाइम ऐसा होता है कि जो आप अपने पूरी फैमिली के साथ एक साथ मिलके एक मंदिर में अपना प्रसाद खाते हैं या शेयर करते हैं, दैट गिव्स अ वेरी गुड फीलिंग। यहाँ पे देखिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं काफ़ी मज़े से यहाँ पे अपना प्रसाद हरण कर रहे हैं। इसमें राइस है, सांभर है, एक करी है और खीर है। जो खीर मैं आपको बता दूँ काफ़ी टेस्टी था। और जो जो श्रद्धालु यहाँ पे साईं बाबा को कुछ भी अर्पण करते हैं वो उस अर्पण होने के बाद यहाँ पे ला के सारे भक्त को वितरण करते हैं। ये अपना किचन है जहाँ पे प्रसाद बनता है। हम लोग खाना खा लिए और ये हैंड वॉश का एरिया है जहाँ पे आप खाना खाने के बाद आपका प्लेट्स रख सकते हैं और आके हैंड वॉश कर सकते हैं। और आप अगर यहाँ पे सेवा करना चाहते हैं तो कुछ टाइम आप भी यहाँ पे आके जो भी श्रद्धालु हैं उनको खाना दे सकते हैं। जैसे कि साइड में आप और एक बिल्डिंग देख सकते हैं, बिल्डिंग के अंदर वो काफ़ी सारे भगवान की मूर्ति बनाए हुए हैं। काफ़ी सुंदर दिख रहा है, बिल्डिंग का शोभा और भी बढ़ जा रहा है उससे। और ये सेल्फी का कार्यक्रम ऑलरेडी लगा हुआ है एंड डिफरेंट डिफरेंट पोजेस में, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में सेल्फी लिए जा रहे हैं। अब हम लोग आनंदम से गौशाला की तरफ जा रहे हैं। ये काफ़ी सुंदर सा नज़ारा है, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी सारे गाय हैं यहाँ पर, भैंस है। एंड आप यहाँ पे अगर आपका कोई मन्नत है कि कोई गाय को खाना खिलाना है, कुछ करना है, तो आप वो अपनी जो लाइक विश है यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे भगवान शिव जी की एक बड़ा सा मूर्ति लगा हुआ है।
आप अगर लाइक यहाँ पे गाय भैंस को चारा खिलाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ट्रस्ट के थ्रू से परचेज़ कर सकते हैं, जो कि 40 रुपीज़ में मिल जाता है। आप वहाँ से परचेज़ करके यहाँ पे दे सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं कई सारे लाइक काउज़ बफेलोज यहाँ पे हैं, काफ़ी सुंदर है। हम लोग अभी चारा लेने जा रहे हैं। ये देखिए हमारी फादर जो है चारा लेके आ रहे हैं। अब हम लोग ये चारा लेके सब थोड़ा थोड़ा पकड़ के आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसके बाद एक एक करके जितने भी काउस है बफेलोज हैं उनको देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी लेके जा रहा हूँ ये सब चीज़ें यहाँ पे, और उसको देख के ऑलरेडी इनके अंदर काफ़ी सारे उमंग खिल उठे हैं, बिकॉज उनको अभी चारा मिलेगा और ये खाने के लिए इधर उधर बहुत मंडरा रहे हैं। अब ये स्टार्ट हो गया, हम लोग एक एक करके सबको दिए जा रहे हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग है कि लाइक जब हम अपने बेटे को देने के लिए कोशिश किए तो वो कहीं पे नहीं जा रहा था, काफ़ी डर रहा था। बहुत मुश्किल से उसको राजी करवाया और वो गया यहाँ पे, सबको दे रहे हैं। और एक फनी इंसिडेंट मिलेगा आपको, एक छोटा सा क्यूट सा काफ यहाँ पे मिलेगा, जो मे बी मेरे ख्याल से 2-3 महीने का होगा। उसको खिलाने के लिए काफ़ी कोशिश हुआ, बट लाइक वो ना की बराबर है। जैसे हम मेरा बेटा उसको खिलाने की कोशिश कर रहा, ये बच्चा वो बच्चा, दोनों बच्चे एक दूसरे को खाना खिलाने की कोशिश कर रहा था कर रहे थे बट लाइक वो नहीं खा रहा था। फिर हम लोग उसके साथ थोड़ा सा मस्ती किए और खेले, काफ़ी क्यूट सा था, काफ था, सब पकड़े उसको। आप देख सकते हैं जैसे कितना क्यूट सा बेबी है, बेबी काफ। अब सबको ऑलरेडी खिला लिए, इसके साथ ही अपना लाइक टोटल जो विजिट का प्लान था और अपना जो भी प्रोग्राम था वो कंप्लीट हुआ। गौशाला मन तो नहीं लग रहा था यहाँ से जाने के लिए, जितना शांति और सुकून यहाँ पे मिल रहा था हालांकि कहीं पे वैसा मिले। सो आप सबको गुजारिश है, आप अगर आपके पास टाइम है और आप एक लंबा ड्राइव लेके सिटी के बाहर कहीं पे घूमना चाहते हैं तो ज़रूर आइए। किड्स के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेसेस है जो यहाँ पे वो एंगेज हो सकते हैं, खेल सकते हैं, छोटा सा पार्क जैसा है, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे, अगर आप पर्टिकुलरली शाम के टाइम में आते हैं तो बच्चे यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एंगेज हो सकते हैं, खेल सकते हैं। एंड यहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह भी है, तो लेडीज़ एंड जेंट्स टॉयलेट्स सेपरेट, कोई ऐसा इशू नहीं है। बाहर आपको लाइक कुछ एक दुकान मिलेंगे जहाँ पे तरह तरह के सामान मिलता है, मंदिर के रिलेटेड सामान मिलता है, और बाकी छोटे मोटे सामान आप अगर परचेज करना चाहते हैं एज ए जेस्चर रिमेम्बरेंस के लिए तो आप वो ले सकते हैं। बाहर आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे नाग देवता का लाइक छोटे छोटे मूर्ति बना वगैरह यहाँ पे है, जहाँ पे लोग काफ़ी आके पूजा करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। तो गाइस ये था अपना धर्मसाई टेम्पल का लाइक विजिट। इसके बाद हम लोग और एक डेस्टिनेशन कवर करने जा रहे हैं जो कि श्री रामचंद्र का लाइक टेम्पल है, अम्मापल्ली में है, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर के दूरी में है। तो गाइस स्टे ट्यून, आपको ये वीडियो मेरे उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर योर कमेंट्स एंड थाट्स। थैंक यू।